Iya. साथियों, आज की हमारी अंजुमन तामीर अदब की ये तरही निशिस्त, जिसके लिए मिसरा तरह दिया गया था, दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे, ये बहुत अच्छा रवा वहर है। फायलातुम 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 फेलुम, और नदीब काफ़िये भी इस मिसरे में बहुत अच्छे थे। हमारे उस्ताद मोहतरम जमील झांसवी साहब का दिया हुआ मिसरा है, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, हसीनो जमील अरमान साहब हमारे सदर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही हसीनो जमील मिसरा है और वाकई है। तो इस मिसरे पे मबनी हमारी आज की ये निशिस्त, और ईद के बाद वैसे आप लोग इंतज़ार करते हैं महीने का पहला इतवार, हम लोग इस नसर को, इस नशिस्त को नसर करते हैं। और अब की बार रमज़ान की वजह से और ईद की वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई है, और ये पहले तय कर लिया गया था कि हम लोग 18 तारीख को, ये बाकायदा सोशल मीडिया साइट्स पर भी हम लोगों ने इसका प्रचार किया था कि 18 तारीख को इसका प्रसारण किया जाएगा। और अपने वादे के मुताबिक हम लोग आपसे रूबरू हैं, हमारी अंजुमन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी गज़लों से आपको मैं करेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद भी आप सभी को देता हूँ, क्योंकि ईद के बाद हम लोग पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं अपने सेक्रेटरी, जो हमारे अंजुमन तामीर अदब के सेक्रेटरी हैं उस्मान अस्क साहब, जिनका तरन्नुम भी बहुत बेहतरीन है और कलाम भी बहुत ही आम लहजे लहजे की शायरी होगी, बहुत अच्छा कलाम, तो मैं चाहता हूँ कि किसी बहुत अच्छे शायर से आज की इस नशिस्त का आगाज़ किया जाए। मैं उस्मान अस्क साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी गज़ल से नवाजें। मिसरा तरह मैंने बता ही दिया है आपको कि दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे। लीजिए, मैं माइक दे रहा हूँ उस्मान अस्क साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक के साथियों को ईद की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इसके बाद उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से मैं तरही महदल का मतला पेश करता हूँ। तुम याद करते ख्यालों में वो अक्सर मुझसे, क्या बात है, बहुत अच्छा है। क्यों मिला करते ख्यालों में बहुत सर मुझसे, बात करते नहीं जब सामने आकर मुझसे, बात करते नहीं जब सामने आकर मुझसे, और अपने होठों के हंसी झूठी सजा कर हरदम, अपने होठों पे हंसी झूठी सजा कर हरदम, रोज मिलते हैं गमे इश्क छुपा कर, रोज मिलते हैं गमे इश्क छुपा कर, शीस महलों की पनाहों में भला कैसे रहूं, क्या बात है, शीस महलों की पनाहों में भला
कैसे रहूं जिस महलों की पनाहों में भला कैसे रहूं दुश्मनी अभी निभाते हैं ये बहुत अच्छा है वेलकम जनाब अभिराज पंकज साहब का वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज के इसके बाद सब करके तेरी यादों ने सताया जब सब करते तेरी यादों ने सताया जब भी सब करते तेरी यादों ने सताया जब मैं तो बस मोमिन हूँ गर्मी से पिघल जाऊंगा मैं तो बस मोमिन हूँ गर्मी से पिघल जाऊंगा मैं तो बस मोमिन हूँ गर्मी से पिघल जाऊंगा जाने क्यों लोग कहा करते हैं पत्थर से क्या बात क्या बोल क्या बात बोल वाह क्यों लोग कहा करते हैं पत्थर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत गर्मी की तरह जाता बहुत अच्छा चिर कर दरिया को क्यों पारे उतर जाते चिर कर दरिया को क्यों पारे उतर जाते हैं चिर कर दरिया को क्यों पारे उतर जाते खाते जमाने के समुंदर खौफ खाते जमाने के समुंदर से और गल का मक्का कुछ करने से तेरी जुल्फों की घटाओं में जुलम है तेरी जुल्फों की घटाओं में जुलम है गुजरे तेरी जुल्फों की घटाओं में जुलम है गुजरे खुशबू करते ऐ अश्क क्या बात है क्या बात है क्या बात है ये उस्मान अश्क साहब थे जो बहुत ही बेहतरीन गजल से हमें नवाज रहे थे और उनकी गजल की खूबी ये थी कि उन्होंने अपनी गजल में अपनी गजल के गुलदस्ते में हर रंग के फूलों को पिरोया है जदीदियत का हमें अंदाज भी उनके शेरों में देखने को उनका शार में देखने को मिला तो रवायत की भी खुशबू हमने महसूस की और बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत अच्छे अंदाज बयान के साथ उन्होंने हर शेर को पेश किया है शायर की खूबी उसके अंदाज बयान में होती है
और अल्फाज की बंदिशें ऐसी होना चाहिए कि जिसमें कोई भी हर्फ कोई भी लफ्ज ऐसा ना लगे कि तू कौन में खाम खां वाली बात लगे। ये कहीं उनकी गज़ल में हमें इस तरह का तसव्वुर देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया। हम लोगों ने ये काफ़ी इंतज़ार के बाद नशस्त का आगाज़ किया था और आपसे ये कहा था कि हमारे ज़्यादातर लोग आ चुके हैं, लेकिन दरअसल हम इंतज़ार कर रहे थे अपने सरपरस्त अपने संरक्षक मोहम्मद उस्मान साहब का, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एक्स रजिस्ट्रार रहे हैं और हमारी अंजुमन के संरक्षक हैं, वो सरपरस्त हैं, सभी प्रोग्राम में उनकी शिरकत रहती है। और दूसरा नाम अभिराज पंकज साहब का था, जिनके लिए हम लोग बेताब थे। और हम क्यों, आप सभी उनके लिए बेताब थे, क्योंकि आप मुझे मालूम है कि सभी उनको सुनना चाहते हैं। बारहा हमारे बीच में दो शायर ऐसे हैं जिन्होंने झांसी के नाम को, इस वक्त दो शायर ऐसे हैं, वैसे तो कई हैं हमारी अंजुमन से जुड़े हुए, जिन्होंने झांसी के नाम को बाहर तमाम हिंदुस्तान में बहुत मकबूल किया है। उनमें एक तो हमारे अरमान तिवारी साहब हैं जो सदर हैं हमारी अंजुमन के, उन्होंने बहुत मुशायरे पढ़े हैं बाहर, और अब वही काम हमारे अभिराज पंकज साहब कर रहे हैं, जो बहुत दूर दूर तक झांसी की मिट्टी की खुशबू को, उसकी सुगंध को बिखेर रहे हैं। मैं उस्मान अश्क साहब के बाद मैं एक बहुत ही सीनियर शायर नूर झांसवी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरन्नुम के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम उनका होता है और जिसको पेश करते हैं। मैं इन दो मिसरों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि चाहिए मुझको सहारा वो किसी उनवां से मिले, चाहिए मुझको सहारा वो किसी उनवां से मिले, क्या हो गमे दौरा से मिले या गमे जाना से, क्या बात क्या बात सहारा। किस्मत से बेहतर जिनकी हालत यहाँ किस्मत से है बेहतर मुझसे, क्या बात है क्या बात है, मुझे मेरा हाल वो आकर मुझसे जिनकी हालत यहाँ किस्मत से है बेहतर मुझसे, पूछ मेरा हाल वो आकर मुझसे वो मात समुंदर कहा दे गया दे गया मुझको भी वो मात समुंदर ने कहा ले गया खराजा के सिकंदर मुझसे मुझसे ले गया रास्ते पड़े पत्थर जो हटाए मैंने
रास्ते में पड़े पत्थर जो हटाए मैंने रास्ते में पड़े पत्थर जो हटाए मैंने दुश्मन अपने सवरने का सलीका बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मिश्रा है भाई। अच्छा मिश्रा, जिनको खुद अपने संवरने का सलीका ही नहीं, दिखाते जो है कमतर मोहब्बत। मैं हूँ साहिब का खतरा कैसा, क्या बात क्या बात। तुम्हें हुसाहिर मुझे तूफान का खतरा कैसा, मुझे सभी टकराती है अक्सर मुझसे, मुझे अब किस पे भरोसा कीजिए, नूर इस गार में अब किस पे भरोसा कीजिए, वक्त पर काम जो आ जाए वो बेहतर मुझ से, वक्त पर मैं हूँ साहिल मुझे तूफान का खतरा कैसा, मैंने मौजें अक्सर सभी टकराती हैं, मौजें आकर सभी टकराती हैं अक्सर मुझसे। ये बहुत ही मुरस्सा गज़ल थी जो हमारे नूर झांसी साहब पेश कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे शेर अशार उन्होंने अपने गज़ल में शामिल किए और उतने ही बेहतर तरीके से उनको पेश भी किया। ये उनकी खूबी है, हमेशा बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिख कर लाते हैं। और मैं अगले शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं हमारे उन तमाम सुनने वालों को, सामईन को, हमारे दर्शकों को जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इंतज़ार करते हैं एक महीने तक हमारी इस मिसेस का। अभी पन्नालाल असर साहब ने बताया कि अजम साकरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी हमारी इस मिसेस को देख रहे हैं। वो केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े मुशायरे होते हैं उनमें आज़म साकरी साहब की शिरकत जो है वो कामयाबी की ज़मानत मानी जाती है।
और अभी हमारी अंजुमन का एक रानी महल पर हमने जब्बार सारिफ साहब के दौलत कदे पर एक मुशायरा मुनक्किद किया था, जिसमें डॉक्टर कलीम कैसर साहब और अजीम साकरी साहब ने अपनी शिरकतें दी थी। इतनी मोहब्बत वो करते हैं हमारी अंजुमन से और हमारे प्रोग्राम्स भी देखते रहते हैं, हमारी नशस्तों को भी देखते रहते हैं। मैं अगले शायर के तौर पर आपके हुजूर आपके बीच अब्दुल गनी दानिश साहब को लाना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि वो एक खालिस अदीब हैं। खालिस अदीब वो होता है जो केवल अपनी गज़लों को लिखकर मुशायरों नशस्तों में पढ़ना ही अदब नहीं होता है, बल्कि उसको मकतूबी शक्ल में, उसको लिखित स्वरूप में, किताबों के रूप में, रिसालों के रूप में जो मंजर आम पर लाता है, वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देता है। हमारे बुंदेलखंड में आवारा बांधवी साहब एक बहुत बड़ा नाम उनका रहा है कि उन्होंने यही काम ता जिंदगी किया, और वही काम हमारे अब्दुल गनी दानिश साहब अंजाम दे रहे हैं। ये कंप्यूटर के हवाले से शायरों को अमर कर देते हैं, उनकी किताबों को मंजर आम पर लाते हैं, तरतीब देते हैं, बहुत बड़ा काम है। मैं इन दो मिसरों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ, सभी के अजीज हैं वो, हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। क्या बात, अब्दुल गनी दानिश साहब, क्या बात। शुक्रिया अमीन का, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हजरात को एक दिन और अखबार गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। इरशाद, पल मुआफिक ये जता जाता है हट कर मुझसे, पल मुआफिक ये जता जाता है हट कर मुझसे, आजकल रूठा है मेरा ही मुकद्दर मुझसे। पल मुआफिक ये जता जाता है हट कर मुझसे, आजकल रूठा है मेरा ही मुकद्दर मुझसे। और हुस्न मतलब मत फरमाएं, आशना जब से हुए मील के पत्थर मुझसे, आशना जब से हुए मील के पत्थर मुझसे, दर्श लेने लगे इस दौर के रहबर मुझसे, दर्श लेने लगे इस दौर के रहबर मुझसे। वाह, आशना जब से हुए मील के पत्थर मुझसे, दर्श लेने लगे इस दौर के रहबर मुझसे। शेर अर्ज है, मैंने क्या क्या न चरागों को किया है रोशन, अपने घर का न अंधेरा हुआ बाहर मुझसे, अपने घर का न अंधेरा हुआ बाहर मुझसे। शेर अर्ज है, राहते दर्द जिगर मुझको मयसर आई, राहते दर्द जिगर मुझको मयसर आई, जब से आकर के मिला गम का यह खंजर मुझसे। जब से आकर के मिला गम का यह खंजर मुझसे। शेर अर्ज है, तो मैं जिनके लिए खुशियों की दुआएं मांगी, मैंने जिनके लिए खुशियों की दुआएं मांगी, क्यों अदावत को निभाते रहे अक्सर मुझसे, क्यों अदावत को निभाते रहे अक्सर मुझसे। आखिरी शेर देखे तजमीन के साथ, मैंने आज़र की तरह जिनको बनाया है सनम, मैंने आज़र की तरह जिनको बनाया है सनम, दुश्मनी अब भी निभाते हैं वो पत्थर मुझसे। मैंने आज़र की तरह जिनको बनाया है सनम, दुश्मनी अब भी निभाते हैं वो पत्थर मुझसे। और मक्ता पेश खिदमत है, देता हूँ। याद आता है मुझे वो भी जमाना दानिश, याद आता है मुझे वो भी जमाना दानिश, झुक मिलते थे कभी शाह सिकंदर मुझसे, झुक मिलते थे कभी शाह सिकंदर मुझसे, याद आता है मुझे वो भी जमाना दानिश, झुक मिलते थे कभी शाह सिकंदर मुझसे, आशना जब से हुए मेल के पत्थर मुझसे, दर्द लेने लगे इस दौर के रहबर मुझसे। शुक्रिया, बहुत 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 ये अब्दुल गनी दानिश साहब थे जो बहुत अच्छी गज़ल इन्होंने पेश की, और मैं उनके बाद एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जो शब्द और सुर, एक्चुअल शब्द जो है, लफ्ज जो है, वो एक्चुअल हिंदू मैथिली के हिसाब से देखा जाए, हिंदू ग्रंथ जो हैं अध्यात्म के, उसमें ये लिखा हुआ है कि शब्द ही ब्रह्म है। वाह,
और होता भी है, नाम है तो है। हाँ बिल्कुल, शब्द जब तक कागज पर लिखा हुआ है वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं होता। डिक्शनरी में लिखा हुआ है, कागज पर लिखा हुआ है, जब हम उसको बोलते हैं तब वो शब्द बनता है, लफ्ज बनता है। और सुर और शब्द, इसीलिए उसका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा नाता होता है, क्योंकि सुर के बिना शब्द कुछ नहीं है। शब्द ब्रह्म कब बनता है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द हो। तो शब्द और सुर दोनों में जिनको कमांड हासिल है, ऐसे शायर हमारे पन्नालाल असर साहब, जो बहुत संगीत में भी बहुत गहराई से जिनका दखल है और महारत है उनको, और शायरी में भी बहुत अच्छा लिखते हैं वो। शब्दों की जादूगरी जिसको कहा जाता है शायरी, वो शब्दों की जादूगरी होती है। अल्फाज की बंदिश कैसी हो, अगर इसका समझ, इसका शऊर अगर नहीं हो शायर को, तो उसकी शायरी में वो रूह नहीं पैदा होती, केवल जिस्म होता है। और आप जानते हैं कि बिना रूह के जिस्म कुछ नहीं होता। उस रूह से वाकिफ हैं गज़ल की, ऐसे शायर को मैं पेश कर रहा हूँ। भाई पन्नालाल असर साहब उत्तर प्रदेश सरकार से नवाजे हुए हैं, अवार्ड उनको 51,000 रुपये का मुख्यमंत्री ने दिया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, और वो गज़ल अपनी पेश कर रहे हैं आपसे रूबरू हैं भाई पन्नालाल असर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत। गजल का मतलब नजर पर रूठ जाता है मेरा यार तो अक्सर मुझसे, रूठ जाता है मेरा यार तो अक्सर मुझसे, रूठ जाता है मेरा यार तो अक्सर मुझसे, दूर रहना भी नहीं चाहता पल भर मुझसे, रहना भी नहीं चाहता पल भर मुझसे, रूठ जाता है मेरा यार तो अक्सर मुझसे, दूर रहना भी नहीं चाहता पल भर मुझसे। रात दिन वो भी तड़पता है बिछड़ कर मुझसे, रात दिन वो भी तड़पता है बिछड़ कर मुझसे, रात भर वो भी तड़पता है बिछड़ कर मुझसे, जान सकता है भला कौन ये बेहतर मुझसे, जान सकता है भला कौन ये बेहतर मुझसे, रात दिन वो भी तड़पता है बिछड़ कर मुझसे, उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखा है, उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखा है, उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखा है, बात करता है बहुत सोच समझ कर, बात करता है बहुत सोच समझ कर मुझसे, बात करता है बहुत सोच समझ कर मुझसे, समझदार है। उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखा है, उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखा है, बात करता है बहुत सोच समझ कर मुझसे। एक शेरी हुआ है, ये नदी क्या है समंदर भी समा जाएगा, ये नदी क्या है समंदर भी समा जाएगा, ये नदी क्या है समंदर भी समा जाएगा, कह गई बात सारों में ये गागर मुझसे, कह गई बात सारों में गागर मुझसे, ये नदी क्या है समुंदर भी समा जाएगा, ये नदी क्या है समुंदर भी समा जाएगा, कह गई बात सारों में ये गागर मुझसे। एक शेर मुझे बहुत पसंद है, अब देखें आप लोगों को कैसा पसंद, मुझे बहुत पसंद है, कोशिश की। इश्क तो इश्क है
सौदा नहीं होता इसमें, इश्क तो इश्क है सौदा नहीं होता इसमें, इश्क तो इश्क है सौदा नहीं होता इसमें। एक पतंगे ने कहा आग में जल कर मुझसे, एक पतंगे ने कहा आग में जल कर, बढ़िया शेर, एक पतंगे ने कहा आग में जल कर मुझसे, इश्क तो इश्क है सौदा नहीं होता इसमें, एक पतंगे ने कहा आग में जल कर मुझसे, कोशिश की कांच का जिस्म फना हो गया कब का, लेकिन कांच का जिस्म फना हो गया कब का, लेकिन दुश्मनी अभी निभाते हैं ये पत्थर, दुश्मनी अभी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे, कांच का जिस्म फना हो गया कब का, लेकिन कब का, लेकिन दुश्मनी अभी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे। फिर देखें, मेरी तकदीर में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तकदीर में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आपने मांगा है क्यों फूलों का बिस्तर, आपने मांगा है फूलों का क्यों बिस्तर मुझसे, मेरी तकदीर में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आपने मांगा है क्यों फूलों का बिस्तर मुझसे, आपने मांगा है क्यों फूलों का बिस्तर मुझसे, मतलब बेहयाई का चलन आम हुआ जब से असर, बेहयाई का चलन आम हुआ जब से असर, बेहयाई का चलन आम हुआ जब से असर, आँख मांगे है मेरी, आँख मांगे है मेरी शर्म के जेवर मुझसे, आँख मांगे है मेरी शर्म के जेवर मुझसे, बेहयाई का चलन आम हुआ जब से असर, आँख मांगे है मेरी शर्म के जेवर मुझसे, दूर रहना भी नहीं चाहता पदभर मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई पन्नालाल असर साहब ने उम्मीद के मुताबिक जैसे मैंने कहा था बहुत ही बेहतरीन अशार पेश किए हैं, और नए नए जावियों से नए नए पहलू निकालते हैं वो अपनी गज़ल में शेरों में। ये जो उन्हें ख्याल बांधा है उस पर जिस दिन से उस पर जिस दिन से जवानी में कदम रख उसने जिस दिन से जवानी में कदम रखे हैं, बात करता है बहुत कदम रखा है, बात करता है बहुत सोच समझ कर मुझसे, ये एक ऐसा नाजुक ख्याल है कि जब से आगाज हुआ है शायरी का तकरीबन हर शायर ने ख्याल को अपने अपने अंदाज में अपनी गज़लों में पेश किया है, और ये बिल्कुल फितरी बात है कि जो बचपन में साथ में खेले होते हैं और जवानी आती है तो वो शबाब जब आता है तो दूरियाँ फासले पैदा हो जाते हैं और अपने आप हो जाता है ये काम, ये किया नहीं जाता, और यहीं से इश्क का जो जज्बा है वो पैदा होता है, क्योंकि आकर्षण इश्क ये वहीं होता है जहाँ पर के जो चीज़ हमें मिलती नहीं है वहाँ आकर्षण पैदा होता है, हसरत मंजिल में जो मज़ा है वो हासिल मंजिल में कभी नहीं होता, जो चीज़ हमें आसानी से हासिल हो जाती है हम उसकी तरफ कभी मायल नहीं होते, जो हमें नहीं मिलता जब वो हमसे फासले बनाता है दूरी बनाता है तो आकर्षण वो कशिश वो हमें उसकी तरफ खींचती है और वहीं से इसका जज्बा पैदा होता है। दुनिया का तसव्वुर जब से है आदम और हव्वा का तो वो भी कहानी यही है कि हुस्न इश्क का जो आकर्षण एक दूसरे का था उससे ये दुनिया बनी, और उसके बाद शायर भी यही काम करता है अपनी शायरी में, अगर अगर इस जज्बे को आप निकाल दें तो शायरी में कुछ भी नहीं रह जाएगा, शायरी इश्किया होती है और वही अंदाज होना चाहिए शायर का, चाहे वो जदीद अशार कहे या किसी तरह के भी अशार कहे, लेकिन लहजा उसका इश्किया होना चाहिए, एक अच्छे शायर के लिए ये
پہلی شرط ہے. حالانکہ آج جدید شاعری کے نام پر تمام آئے بائیں سائیں لوگ بکتے ہیں اور کچرا پیش کرتے ہیں مشاعروں میں نشستوں میں, لیکن دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ شاعری نہیں ہے. شاعری کا ایک آداب اور معیار ہوتا ہے, اس کے دائرے میں رہ کے ہی ہمیں ہر بات کرنا پڑتا ہے. اور تقریباً 40-45 جو لفظ ہیں جو روایتی شاعری کے لیے طے شدہ لفظ ہیں, شمع, پروانہ, گل, بلبل, ہمیں انہی کے دائروں میں ہر بات کہنا پڑتی ہے. اور جب ہم ان کو اصطلاح الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو اپنے آپ وہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ لہجہ ہمارا عشقیہ ہو جاتا ہے, اور وہی شاعری ہے. اور اگر ہم ہٹ کے اس سے کام کریں گے تو شاعری تو ہو جائے گی, لیکن وہ بہت دیر تک چلنے والی نہیں ہوتی, ذہنوں تک رہتی ہے, دلوں تک نہیں اتر پاتی. تو یہ شعر انہوں نے پیش کیا کہ اس نے جس دن سے جوانی میں مجھے یہ کہنا پڑا کہ ایک شاعر کا انداز بیان بدلتا ہے ہر دور میں, خیال وہی رہتے ہیں, خیال آپ کہاں سے لائیں گے. عشق میں بھی جو جذبہ ہوتا ہے تو پیار کرنے والوں کا ایک سا ہوتا ہے, یونیورسل ہے, اور بلکہ کیول ہندوستان میں نہیں ہے ایسا کہ یہاں پوری دنیا میں جب پیش کیا جائے گا تو یہی جذبہ ہوگا, اور اس کو پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے شاعر کا. یہ انداز بیان ہمارے پناہ لال اثر صاحب نے اپنی غزل میں پیش کیا, اور مجھے بہت سارے اشعار میں پیش کرتا ہوں, کر سکتا ہوں اس پر, اس موضوع پر, لیکن ابھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. جانثار اختر صاحب نے کبھی اسی بات کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کہا تھا کہ ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح, ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح, ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح. بہت خوب, یہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ جو شباب آتا ہے اور دوریاں جو پیدا ہوتی ہیں تو وہیں سے بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, وہیں سے شاعری نکلتی ہے, وہیں سے عشق ہوتا ہے. بہت اچھا خیال. اسی شعر کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں, میں مائک دے رہا ہوں شکیلا بانو صبا صاحبہ کو, جو بہت ہی اچھا لکھ کر لاتی ہیں, بہت اچھے انداز میں, تحت الانداز ہے ان کا پڑھنے کا, لیکن تحت الانداز میں بھی اچھی شاعری پڑھی جا سکتی ہے, اور ترنم ہی سب کچھ نہیں ہوتا غزل میں, یہ ثابت کیا ہے ہماری اس انجمن میں آ کر شکیلا بانو صبا صاحبہ نے. میں مائک دیتا ہوں. سب آپ کی کچھ شدارت نہ درد کرتا ہے بیاں, درد کرتا ہے بیاں, کرتا ہے بیاں شیشے کا یہ گھر مجھ سے, درد کرتا ہے بیاں شیشے کا یہ گھر مجھ سے, دشمنی اب بھی نبھاتے ہیں یہ پتھر, درد کرتا ہے بیاں شیشے کا یہ گھر مجھ سے, دشمنی اب بھی نبھاتے ہیں یہ پتھر مجھ سے. اور دوسرا مطلب ہے کہ پوچھتا کیا ہے شب ہجر کا منظر مجھ سے, بہت اچھا ہے, پوچھتا کیا ہے شب ہجر کا منظر مجھ سے, چھینی یادوں نے تیری نیند کی چادر مجھ سے. کیا بات ہے, کیا خوب. ایک اور مطلب ہے کہ کشمکش ذہن میں لے کر نہ ملا کر مجھ سے, کشمکش ذہن میں لے کر نہ ملا کر مجھ سے, یا تو کر تر کے تعلق یا بفا کر مجھ سے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. کہ میرے نزدیک محبت ہے وجہ جینے کی, واہ, میرے نزدیک محبت ہے وجہ جینے کی, وہ مصرع ہے بھائی, ایش و عشرت کی اسے چاہ ہے بڑھ کر مجھ سے. کیا بات, ایش و عشرت کی اسے چاہ ہے بڑھ کر مجھ سے. شعر ہے یہ برا وقت سمجھ لے ہی نہیں دے گا ہمیں, یہ برا وقت سمجھ لے ہی نہیں دے گا ہم کو, اور روٹ جاتا ہے ہر گام مقدر مجھ سے, روٹ جاتا ہے ہر گام مقدر مجھ سے, اور دل کی گہرائی سے وہ شرط لگا کر ہارا, دل کی گہرائی سے وہ شرط لگا کر ہارا, ہو کے بیٹھا ہے پشیمان سمندر مجھ سے. بہت خوب شعر, وہ شرط لگا کر ہارا, ہو کے بیٹھا ہے پشیمان سمندر. بہت خوب شعر. اور ایک اور شعر ہے کہ ایک سے ایک تھے انمول سہیجے نہ گئے, ایک سے ایک تھے انمول سہیجے نہ گئے, کھو گئے یوں ہی میری عمر کے گوہر مجھ سے. خوب, اور شعر ہے کہ مر گئے کتنے تب انسان تیرے اندر جاگا, مر گئے کتنے تب انسان تیرے اندر جاگا, پوچھ لیتی جو کبھی ملتا سکندر مجھ سے. بہت خوب شعر, جو کبھی ملتا
सिकंदर मुझसे पत्ते गशे रह के ऐसा रश्म मोहब्बत की रवायत है यही ऐसा रश्म मोहब्बत की रवायत है यही तू खुशी रखना न गम अपना छुपा कर मुझसे दर्द करता है बयां शीशे का ये घर मुझसे दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे बहुत खूब बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया बेहतरीन गजल पढ़ी आपने वाह ये शकीला बानो सबा साहिबा थी जो तहतुल अंदाज में जैसे मैंने कहा था कि तहतुल अंदाज में इस खूबसूरती के साथ अशार को पेश करना कि वो लोगों के दिलों में उतर जाए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतना अच्छा वो उनका जितना अच्छा वो लिखती हैं उतने ही अच्छे तरीके से पेश करने का हुनर भी वो जानती हैं और मैं अब पंकज अभिराज पंकज साहब जो कभी अभिरा पंकज पाठक के नाम से लिखा करते थे सम्राट पंकज पाठक के नाम से लिखा करते थे अब वो कभी अभिराज पंकज के नाम से तमाम हिंदुस्तान में मकबूल हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर भी यूट्यूब पर फेसबुक पर व्हाट्सएप पर सभी जगह छाए हुए हैं वो इस वक्त और उनकी खूबी यह है गज़ल कहने की कि जब वो गज़ल कहते हैं तो ये नहीं देखते कि लफ्ज़ हिंदी का है या उर्दू का है या किसी दीगर ज़बान का है अगर वो वहाँ अप्रोप्रिएट उनको लगता है फिट करता है तो वो उसको उसमें और हमारा भी ऐसा मानना है हमारी अंजुमन का भी ऐसा ही मानना है कि अगर दायरों में अगर ज़बान को कैद किया जाएगा तो ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी कोई भी ज़बान ज़िंदा नहीं रह सकती कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल जिस तरह से नहीं होता है ऐसे ही कोई भी ज़बान कभी मुकम्मल अपने आप में होती नहीं है जब तक वो दूसरी ज़बानों से कुछ ना कुछ इस्तफादा हासिल नहीं उठाए करेगी नहीं लेगी नहीं उठाएगी फ़ायदा तो वो उसको एक महदूद होकर रह जाएगी और उर्दू के साथ भी यही है कि उर्दू वालों में कुछ हमने ऐसे भी लोग देखे हैं हमारे इसी शहर में हैं और शहर से बाहर गाँव हिंदुस्तान में भी हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं साहब ये लफ्ज़ तो उर्दू का नहीं है ये आप हटाइए इसमें गज़ल से हटा दीजिए इसको लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए गज़ल में दो ही बात होती है लफ्ज़ों का जब हम बात करते हैं तो एक तो फसी और एक गैर फसी अगर उसमें फसाहत है लफ्ज़ में तो वो किसी भी ज़बान का हो अगर वहाँ पे मज़ा दे रहा है ये देखने की चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती केवल हिंदी का लफ्ज़ वहाँ इसलिए तो नहीं ला रहे हैं कि आप अपना हुनर दिखाना चाहते हैं अगर वहाँ फसाहत पैदा कर रहा है वो तो और अगर बलागत पैदा कर रहा है तो आपको फिर नहीं उसको आपको परमिशन नहीं है और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी जबान से ये तो बिल्कुल सही है लेकिन अगर तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए और केवल जबान उर्दू की बात नहीं है अंग्रेजी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जबान है सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली जबान है उसमें भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बड़े कोई डिक्शनरी नहीं है उनके यहाँ और हर साल 150-200 लफ्ज़ों का इजाफा करती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो लफ्ज़ बोलचाल में आते हैं और अंग्रेजी के लोग उनको इस्तेमाल करते हैं उनको वो शामिल कर लेते हैं और उसमें बाकायदा एक एनेक्सर जोड़ते हैं और बताते हैं कि हमने ये लफ्ज़ शामिल किए और फिर वो ज़बान में शामिल हो जाते हैं बाकायदा क्योंकि मुस्तनद डिक्शनरी है वो तो ये हम समझते हैं कि उर्दू वालों के साथ भी होना चाहिए और हमारी अंजुमन चूँकि नए नए प्रयोग करती है नए नए इस्तेमाल करती है हम चाहते हैं कि हमारी अंजुमन से ही इस बात का विरोध होना चाहिए कि नहीं अगर लफ्ज़ अगर अच्छा है तो वो किसी जबान का दूसरी दीगर जबान का लफ्ज़ है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यही काम हमारे अभिराज पंकज साहब अपनी गज़लों में करते हैं बड़ी खूबसूरती से अपने जुनूनी काम है उनका शायरी जो है वो एक जुनून है इश्क भी एक जुनून है और शायर भी एक जुनून है जब दिल टूटता है तो दो ही चीज़ें होती हैं या ऊर्जा निकलती है कोई भी चीज़ टकराती है आप जानते हैं अणु परमाणु कोई भी टकराएगी चीज़ तो ऊर्जा निकलेगी हम चाहे तो उस ऊर्जा को बर्बाद भी कर सकते हैं और हम चाहे तो उस ऊर्जा को इस्तेमाल भी कर सकते हैं यही काम इश्क में भी होता है वालों के जब दिल टकराते हैं टूटते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है कोई उसी को गज़ल बना देता है अगर वो शायर है तो और बाकी तो लोग बहुत से दिल टूटते हैं बर्बाद हो जाती है जब कोई मतलब नहीं है उसका तो हमारे हमें नहीं मालूम कि अभिराज पंकज साहब को ऊर्जा कहाँ से मिलती है लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं वो और खूबी है उनकी ये कि बहुत जो कुछ भी वो लिखते हैं वो लोगों के दिलों में उतरता है और उतना ही अच्छे बेहतरीन अंदाज के साथ बेहतरीन तरन्नुम के साथ वो पेश भी करते हैं मैं उनको माइक दे रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ भाई अभिराज पंकज जी को बहुत शुक्रिया आप सभी का और आज जो गज़ल मैं तैयार करके लाया हूँ उसके मतलब की भूमिका भी बताता चलूँ जी जी बिल्कुल कॉलेज के ज़मानों से ही जब थोड़ा बहुत लिखना मैंने शुरू किया है तो आम तौर पर ये होता है कि परिवार में शेर व शायरी की तरफ मुड़ना लोग बहुत
उससे नहीं, बड़े इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो पढ़ने पढ़ने की उम्र है, एक सरकारी सेवाओं की तरफ प्रिपरेशन हो। लेकिन क्योंकि अंजुम साहब ने जैसा कहा कि जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाती है वो हो ही जाती है, तो वो यात्रा थी। करीबन 3-4 साल से आज मैं आपकी दुआओं के तमाम मंचों पर रहता हूँ, उसके पहले गोष्ठियों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख। तो उस समय जो एहसास मुझे परिवार की तरफ से मिला करते थे, तो बात यहाँ से शुरू करता हूँ। दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे, मुंह खुलाए हुए रहता है मेरा घर मुझसे, मुंह खुलाए हुए रहता है मेरा घर मुझसे। दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे, शेर को कीजिएगा, बनते बनते जो ये अक्सर तू बिगड़ जाती है, बनते बनते जो ये अक्सर तू बिगड़ जाती है, तू मजा कैसे किस्मत न किया कर मुझसे, तू मजा कैसे न किस्मत तू किया कर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। और ये शेर आप देखेगा, खारे हो जाओगे जाओगे जो हद से बाहर, खारे हो जाओगे जाओगे जो हद से बाहर, तजुर्बा अपना बताता है समंदर मुझसे, तजुर्बा अपना बताता है समंदर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। और ये शेर बतौर खास देखिएगा, बात तकल्लुफ हो मुलाकात तो मजा क्या है, बात तकल्लुफ हो मुलाकात तो मजा क्या है, देख मिलता है तो खुल कर ही मिला कर मुझसे, देख मिलता है तो खुल कर ही मिला कर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। और ये शेर भी सुन लीजिएगा, दूर दूर ऐसे भला क्यों तू रहा करती है, दूर दूर ऐसे भला क्यों तू रहा करती है, ऐ खुशी तुझको भला क्या है बता डर मुझसे, ऐ खुशी तुझको भला क्या है बता डर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। और ये शेर बतौर खास आप तक पहुंचे, आलमे हिज्र में ढलता ही नहीं दिन अब तो, आलमे हिज्र में, आलमे हिज्र में ढलता ही नहीं दिन अब तो, और करवट लिए रहता मेरा बिस्तर मुझसे, और करवट लिए रहता मेरा बिस्तर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। और तज़मीन का शेर, गजल का आखिरी शेर, जिसने फेंके थे वो मोहसिन है मेरा अब लेकिन, जिसने फेंके थे
वो मोहसिन है मेरा अब, लेकिन जिसने फेंके थे वो मोहसिन है मेरा अब, लेकिन दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे, दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे, दुनिया जिस रोज से कहने लगी शायर मुझसे। ये भाई अभिराज पंकज साहब थे, जैसे मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अलग अलग दीगर जबानों से कभी कभी बहुत अच्छा काम हो जाता है। हिंदी के वो एक्चुअल हिंदी के कवि हैं वो, लेकिन उनकी मोहब्बतें हैं और हम लोगों का ये कशिश है जो हम लोग उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। एक्चुअल हिंदी की महफिलों में उनका जो होता है वक्त गुजरता है और कवि सम्मेलनों के मंचों पर वो रहते हैं, और मजबूरियाँ हैं जबानों की अपने अपने, हिंदी जबान में जो है वो मुखर एक साथ इनका वजूद नहीं है। कभी कभी हिंदी वाले उसको नहीं समझ पाते और वो कुछ छोटी मोटी चूक ऐसे हो जाती है, और कभी कभी अब एराब भी वहाँ नहीं होते हैं, जेर जबर पेश का फ़र्क होता है। अब इसमें रे हरफे रवि है हमारे काफिये में, और उसके पहले जो है ज़बर की कैद है। अब वो शायर का उन्होंने काफिया बांधा है हिंदी वालों के हिसाब से, ठीक है, और दुष्यंत ने भी बेशुमार गज़लें कही हैं और बड़ी मकबूल वो गज़लें हैं, आज तक किसी उस्ताद ने उसमें रद्दोबदल नहीं किया है, जैसे हैं उसी तरह से उनको पेश किया जाता है, कोट किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट में कोट की जाती है वो कलाम। तो शायरी अगर अच्छी हो तो हमारा ऐसा मानना है कि छोटी मोटी चीज़ों को कभी कभी नजरअंदाज भी किया जा सकता है, और हम लोग एक एक जो इम्तजाज है जवानों का, अदब का एक जो संगम है, हम उसको तरजीह देते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे हमारे हमारे हमारी इस अंजुमन में अभिराज पंकज कोई पहले कवि नहीं है, इससे पहले भी बहुत हिंदी के कवि हमसे जुड़े रहे और झांसी के हमारे बहुत कवि जुड़े रहे, और यहीं आके उन्होंने धीरे धीरे पिकअप किया चीज़ों को, और बाद में जो खामियां उनके यहाँ थी वो दूर होती चली गई। तो ये होता है, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि हमारी अंजुमन में भी इस चीज़ को महसूस किया गया कि कहीं कहीं चूक उनसे हुई, और हमारे बेशुमार सुनने वाले जो पूरी दुनिया में इस मैसेज को सुन रहे हैं उन्होंने भी इसको महसूस किया। लेकिन पंकज जी, मैं एक बहुत अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज़ उनसे कहो तो वो पिकअप करते हैं, आगे आज अगर कोई कमी है तो वो बाद में दूर भी हो जाती है, लेकिन तो वो आते रहें और अटेंड करते रहें। बहरहाल उनका उनका शायरी का लबो लहजा, उनका अंदाज़े बयान, उनका गज़लों को पेश करने का अंदाज सभी बहुत खूबसूरत है, और यही वजह है कि केवल 2-3% लोग होते हैं जो अरूज जानने वाले किसी महफिल में या सुनने वालों का हमारे जो ऑडियंस होती है, और बाकी लोग जो है उसका मज़ा लेते हैं। तो वो इसीलिए आवाम के कवि हैं, आवाम के शायर हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। और शायरी की कविता की पहली शर्त यही है कि आप कुछ भी पढ़ो अच्छा जरूर लगना चाहिए लोगों को, वरना आपको हुक कर देंगे, सुनेंगे नहीं। तो ये खूबी उनके अंदर है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और बहुत अच्छी कोशिशें, बहुत अच्छी काविशें उनकी। मैं उनके बाद एक बहुत ही सीनियर शायर जो हमारे बसी सालिक साहब, जो गज़ल के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, और केवल हमारी अंजुमन नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में उनकी शिनाख्त है उनकी शायरी के हवाले से, मैं उनके लिए ये दो मिसरे पेश करता हूँ, उनको आवाज़ देता हूँ गज़ल पेश करने के लिए, कि गज़ल का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, गज़ल का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा। शुक्रिया अमीन साहब, मैं याद चाहूँगा गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। अपने अशआर सुनाकर मेरे सुनकर मुझसे, अपने अशआर सुनाकर मेरे सुनकर मुझसे, किस मोहब्बत से मिले आज सुकंदर,
किस मोहब्बत से मिले आज तुफनवर मुझसे, और आईना जब से दिखाया ये मेरे दुश्मन हैं, दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे। अच्छा, तो जीन देखेंगे, फिर देखेंगे, दिल तो कहता है कि मैं पांव पसारू लेके, दिल तो कहता है कि मैं पांव पसारू लेके, इस कदर लंबी कहाँ है मेरी चादर मुझसे, दिल तो कहता है कि मैं पांव पसारू लेके, दिल तो कहता है कि मैं पांव पसारू लेके, इस कदर लंबी कहाँ है मेरी चादर मुझसे। अच्छा शेर है, बहुत बढ़िया। और जब से मैं डूब के उभराऊं यहाँ गहराई, जब से मैं डूब के उभराऊं यहाँ गहराई, पूछने आते हैं हर रोज सनावर मुझसे, पूछने आते हैं हर रोज सनावर मुझसे, और जा रहे हो तो चले जाओ न मुड़ कर देखो, जा रहे हो चले जाओ न मुड़ कर देखो, क्योंकि देखा नहीं जाएगा ये मंजर, क्योंकि देखा नहीं जाएगा ये मंजर मुझसे, मंजर मुझसे, और फिर तेरी याद ने इस रात भी सोने न, फिर तेरी याद ने इस रात भी सोने न दिया, भी सोने न दिया, रात भर रोई तेरी याद निपट कर मुझसे, रात भर रोई तेरी याद निपट कर मुझसे, निपट कर मुझसे, और मैं हुनर में हूँ तू हाथों की लकीरों में न देख, मैं हुनर में हूँ तू हाथों की लकीरों में न देख, मैं हुनर में हूँ तू हाथों की लकीरों में न देख, सच ही कहता है मेरा बिगड़ा मुकद्दर मुझसे, सच ही कहता है मेरा बिगड़ा मुकद्दर मुझसे, और मुझसे दरियाओं से, मुझसे दरियाओं से कायम है समुंदर का मुकद्दर, मुझसे दरियाओं से कायम है समुंदर का वजूद, ये हकीकत है समुंदर है समुंदर मुझसे, ये हकीकत है समुंदर है समुंदर मुझसे, और एक शेर देखें कि मैं की मस्ती का मज़ा दोगुना हो जाए, मैं की मस्ती का मज़ा दोगुना हो जाता है, जब भी साकी ने लिया है कभी सागर मुझसे, जब भी साकी ने लिया है कभी सागर मुझसे, और मैं हूँ शायर मेरी ऊंची है तखय्युल की उड़ान, मैं हूँ शायर मेरी ऊंची है तखय्युल की उड़ान, कौन कहता है कि ऊंचा है ये अंबर मुझसे, कौन कहता है कि ऊंचा है ये अंबर, मैं हूँ शायर मेरी ऊंची है तखय्युल की उड़ान, कौन कहता है कि ऊंचा है ये अंबर मुझसे, बहुत बढ़िया। और बेवफा है वो सितमगर है जफा पेशा भी, बेवफा है वो सितमगर है वफा जफा पेशा भी, फिर भी अपने को बताता है वो बेहतर मुझसे, और अब तो आईना भी हंसता है मेरी सूरत, तो आईना भी हंसता है मेरी सूरत पर, वक्त ने छीन लिया वो मेरा पैकर, अब तो आईना भी हंसता है मेरी सूरत पर, वक्त ने छीन लिया वो मेरा पैकर मुझसे, पैकर मुझसे, अब गमों में मुझे जीने का मजा आने लगा, अब गमों में मुझे जीने का मजा आने लगा, जीने का मजा आने लगा, ऐ खुशी अब तू जरा दूर रहा कर मुझसे, ऐ खुशी अब तू जरा दूर रहा कर मुझसे, और मुझ गुनहगार को तू राह का पत्थर कर दे, क्या बात है, मुझ गुनहगार को तू राह का पत्थर कर दे, वो समझ जाएगा खाएगा जो ठोकर मुझसे, वो समझ जाएगा खाएगा जो ठोकर मुझसे, और एक शेर देखें तो जो जाऊंगा कि इनको महंगाई से मतलब न इन्हें फिक्रे महार, इनको महंगाई से मतलब नहीं ने फिक्रे माश, आज के दौर में अच्छे हैं गनागर मुझसे, इनको महंगाई से मतलब नहीं ने फिक्रे माश, अरे आज के दौर में अच्छे हैं गनागर मुझसे, और मेरी खुददार तबीयत की सबब है,
आज के दौर में अच्छे हैं गनागर मुझसे, मेरी खुददार तबीयत ही सबब है इसका। मेरी खुददार तबीयत ही सबब है इसका। खुश नहीं शहर का कोई भी चबंगर मुझसे, खुश नहीं शहर का कोई भी चबंगर मुझसे, मंगते रसे रह गए। क्या अजब है जिसे समझा था मैं रहबर सालिक, क्या अजब है जिसे समझा था मैं रहबर सालिक, रास्ता पूछ रहा था वही रहबर मुझसे। अपने आशार सुना कर मेरे सुनकर मुझसे, किस मोहब्बत से मिले सालिक साहब ने, मैंने जैसे कहा था कि बहुत उनके अंदर उनके अशार में उस्तादाना कुछ अंदाज देखने को मिलता है, और कुछ असल में शायरी जो है वो इस तरह होना चाहिए कि जब सुनने वाले उसको सुने या पढ़ने वाले पढ़ें तो उन्हें लगे कि कुछ नया है इसमें। वो कोशिश हमारे सालिक साहब की हमेशा रहती है और वो कामयाब भी हैं अपनी इस कोशिश में। कोशिशें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कामयाबी एक अलग चीज़ है, वो हम महसूस करते हैं जब वो अपने अशार पेश करते हैं कि कुछ ना कुछ हटके अदबी महफिलों के कुछ आदाब हुआ करते हैं, कुछ तकाजे हुआ करते हैं। और एक वक्त था जब बिना शेरवानी के और बिना शायराना टोपी के कोई शिरकत नहीं कर सकता था आदमी महफिलों में, निकाल के बाहर कर दिया जाता था। तो अभी वो दौर अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग ये दम भरते हैं, हमारी अंजुमन ये दम भरती है कि हम अदब को कायम रखे हुए हैं, अदब को जिंदा रखे हुए हैं, तो हमने गुजारिश की थी अपने उस्तादों से और दीगर शायरों से कि भाई अगर किसी के पास शेरवानी कहीं देखना पुरानी पड़ी हो तो ढूंढा हमने भी लेकिन हमें नहीं मिली। लेकिन हमें खुशी है, हमने जमील साहब से भी ये अर्ज किया था कि आप सदारत करते हैं, अंजुमन की निशस्तों की सदारत आप करते हैं, तो कम से कम आप तो बन गए हैं, तो बनवा लो थोड़ा सा पैसा खर्च करके, तो वो जहाँ से भी लाए हो हमें नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ हमारे पंकज जी उनकी तरफ जरा कैमरे को फोकस करें, और आज हमें लग रहा है कि हम किसी आदमी महफिल में बैठे हुए हैं। जी जी जी, तो ये अच्छा वो उस्ताद भी हैं और उस्ताद को तो वैसे भी टोपी पहन के ही आना चाहिए। वक्त के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ कदरें बदल जाती हैं, सारी तकाजे बदल जाते हैं। एक वक्त वो था कि जब गुरुकुल वाली परंपराएं होती थी कि लोग बच्चों को उस्तादों के आश्रम में छोड़ाया करते थे, और जब वो 20-25 साल वहां से निकलते थे बाद में, तो वो बाकायदा एक तरह से उस्ताद ही होके निकलते थे, और ये माना जाता था और हम भी यही समझते रहे पहले कि उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्दों को इल्म देता है, फन देता है। बाद में दौर के ये तकाजा था और हमारे उस्ताद ने, हमें खुशी है कि वो आज के दौर के उस्ताद हैं। असल में उस्ताद आज के दौर में वो होता है जो कहे तो सबसे कि हम आपको इल्म देंगे लेकिन दे किसी को कुछ ना। तो ये हुनर, ये फन हमारे जमील साहब के अंदर हमने महसूस किया है। एक उस्ताद और है हमारे, वो हालांकि आज यहाँ किसी वजह से है नहीं, तो ये वो जमील साहब हमेशा जब भी कोई नया शागिर्द आता है तो उनका एक रटा रटाया जुमला है, उसको आप तकिया कलाम भी कह सकते हैं। यही कहते हैं कि हमारी माँ कहा करती थी कि बेटा इल्म बांटा करो, तो आदमी को बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि यार कुछ मिलेगा जरूर यहाँ से। तो लेकिन बहरहाल वो देते भी हैं, लेकिन उतना देते हैं कि खुद उस्ताद ना हो जाओ तुम जैसे कि हाँ, ये खूबी होना चाहिए उस्ताद की। और सबसे बड़ा उस्ताद हम मानते हैं दुनिया में बिल्ली को, जिसने शेर को सब कुछ दिया लेकिन उछलने की कला नहीं दी, और जब वो कह लगी कि अब तो हम तुम्हें को खाएंगे तो वो चढ़ गई ऊपर, कह ये कब बताया था आपने हमें, कह ये बता दे तो हम थोड़ी आज जिंदा होते। हमारे उस्ताद भी उसी सब में आते हैं, तो देते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो कहते हैं कि हम बांटते हैं तो बांटते हैं, वो देते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कुछ अपने पास रख लेते हैं महबूब कि अगर तुम पलट के उनके ऊपर बार करने की कोशिश करोगे तो ऐसी कर दी जाएगी। तो इस नाते भी टोपी का हक उनका बनता है, उस्ताद के सर की एक्चुअल उनकी उनके जो लिबास है उसका एक हिस्सा है टोपी अगर देखा जाए तो। वो पहन के आए, उम्मीद करेंगे कि आगे भी अब इसी तरह से वो हमेशा टोपी में ही हमें दिखेंगे। मैं अपनी, क्योंकि आप जो हमारी फहरिस्त में नाम रह गए हैं वो उस्तादों के ही रह गए हैं,
इसलिए मैं अपनी गजल से हमारे हमारे उस्ताद ने जमीर साहब ने बहुत मोहब्बतें हम पर उठाई हैं। ये तो सब मजाक की बातें थी जो हम आपसे कर रहे हैं। जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो कुछ भी मुझे टूटा फूटा जो कुछ भी आता है सब उन्हीं की बदौलत है। और ये चूँकि हम केवल यहाँ नशिस्त में जितने लोग बैठे हैं ये नहीं, बल्कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो उनको अच्छा भी लगता रहे तो कुछ जुमले हमें इस तरह के बोलना पड़ते हैं मजबूरी में। लेकिन हकीकत यही है कि आज के दौर में हमें ऐसे उस्ताद नहीं मिलेंगे, मैसर नहीं होंगे। बहुत कुछ दिया है और आज भी जब हम लोग कहीं ये अदब ऐसा मसला है कि इसमें कोई मुकम्मल नहीं होता, जब फंसते हैं मसले और हमें कुछ चीज़ के डिस्कशन की जरूरत पड़ती है तो हमेशा हाजिर अपने आप को करते हैं। और वरना हम तो हमारी औकात क्या थी इस अंजुमन में, हम कुछ भी नहीं थे। और ऐसे ही लोगों की बदौलत हमारे कस्बी साहब, हमारे जमीर साहब, हमारे सरोज साहब, इनकी बदौलत ही आजकल जो थोड़ा बहुत हमने हासिल कर सके हैं वो इन्हीं लोगों की बदौलत है। और वरना हमारी हैसियत ये थी जो मैं इन दो मिसरों में पेश करता हूँ और इन दो मिसरों के साथ अपने आप को भी आपके हुजूर में पेश करता हूँ। मीर ने कभी लिखा था कि यूं पुकारे हैं मुझे ऊंचाए जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे ऊंचाए जाना वाले, इधर आबे इधर आबे अबे चाक गरेबा वाले। ये औकात थी हमारी, इन उस्तादों की बदौलत ही आज थोड़ा बहुत मुकाम की बदौलत थी। मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। आवाज चूंकि साहब ने मेरी गला खराब है हमारा, तो हम बहस पर पेश कर रहे हैं। जाएगा भी तो कहाँ हाथ छुड़ा कर मुझसे, जाएगा भी तो कहाँ हाथ छुड़ा कर मुझसे, जबकि वाबस्ता है ये तेरा मुकद्दर। जाएगा ये किस्मत जो है इश्क करने वालों की ऊपर से लिख दी जाती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम चले भी जाएं तो सूरदास ने लिखा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। इश्क करने वालों की दिलों की कैफियत भी वही होती है कि छोड़ के चले भी जाएंगे, पूरी दुनिया में वो घुमाए लौट के वहीं आना पड़ेगा। सच्ची आएगा भी तो कहाँ हाथ छुड़ा कर मुझसे, जबकि वाबस्ता है ये तेरा मुकद्दर मुझसे। और ये शेर मैं अपने उस्ताद मोहतरम की नजर कर रहा हूँ जमीन साहब की, कि शायरी में तू चला लेने को टक्कर मुझसे। शायरी में आजकल के शागिर्दों की यही कैफियत है कि वो थोड़ा सा सीखने के बाद, जो मैंने कहा था बिल्ली और शेर वाली बात, थोड़ा सा सीखने के बाद उस्ताद पे ही हावी हो जाते हैं। जैसे भस्मासुर को जब तपस्या भस्मासुर ने की थी और शंकर जी से वरदान उन्होंने मांगा, तो कहने हमें ऐसा वरदान आप दो कि हम किसी के भी सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए। तो जब वो वरदान उन्होंने किया, अच्छा तथास्तु कह दिया और मिल गया वो वरदान, तो कह लगे साहब हम पहला एक्सपेरिमेंट आप पे ही करना चाहते हैं। अब शंकर जी भागे भागे। तो ये कैफियत है आज के शागिर्दों की। मैं भी उस कड़ी में आता हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ, उस्ताद की नजर कर रहा हूँ। शायरी में तू चला लेने को टक्कर मुझसे, इल्म वाला हूँ अरूजी हूँ जरा डर मुझसे। शायरी में तू चला लेने को टक्कर मुझसे, इल्म वाला हूँ अरूजी हूँ जरा डर मुझसे। और शेर पेश करता हूँ, ये हुनर भी हमने अपने उस्ताद से सीखा है कि कभी कभी हम मुफा जिसके वजन पे हम उस लफ्ज से भी हम इसमें फायलातन की बहर में शेर को शुरू कर सकते हैं। वो हुनर उस्ताद जानते हो, हम जानते हैं, बाकी लोग कुछ जानते होंगे, बाकी लोग जानते हैं, अरमान साहब जानते हैं, हमारे सेवा साहब भी जानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस अंजुमन में हमारे यहाँ बहुत काबिल लोग हैं और होना भी चाहिए। कुछ ना कुछ जब तक ललक नहीं होगी आपके मन में सीखने की, आप पूरी जिंदगी नशिस्तें पढ़ते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे शहर में ऐसे तमाम शायर हैं जो नशिस्तें पढ़ते रहे पूरी जिंदगी में, हासिल कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन हम लोग अंजुमन में टोक टोक के उसको, हमारे उस्ताद ऐसे हैं कि मुंह पे टोक देते हैं वो, उससे हम दोबारा नहीं करते वो गलती। तो शेर पेश करता हूँ,
कि आया एक रोज किया राज ये दिल ने मुझ पर, आया एक रोज किया राज ये दिल ने मुझ पर, पर मुझसे रहजन है कहीं और ना रहबर मुझसे, आया एक रोज किया राज ये दिल ने मुझ पर, मुझसे रहजन है कहीं और ना रहबर मुझसे। दिल ही लूट लेता आपको, दिल ही रास्ता दिखा सकता, अगर दिल से दुश्मनी करोगे तो फिर आप पार नहीं पा सकते। कोई बड़ा रहजन भी नहीं है, कोई बड़ा रहबर भी नहीं है। आया एक रोज किया राज ये दिल ने मुझ पर, मुझसे रहजन है कहीं और ना रहबर मुझसे। और ये शेर मैं अपनी नजर करता हूँ कि एक सूरज की तरह दोस्त है मेरा ये वजूद, चांद तारे ये अदब के हैं मुनव्वर मुझसे, और मेरी आंखों में रवा है तेरे गम का पानी, मेरी आंखों में रवा है तेरे गम का पानी, झील मुझसे है नदी मुझसे समुंदर, बहुत शुक्रिया हुजूर। मेरी आंखों में रवा है तेरे गम का पानी, मेरी आंखों में रवा है तेरे गम का पानी, झील मुझसे है झील मुझसे नदी मुझसे समुंदर। और ये शेर मैं जब लिख रहा था तो तसव्वुर सरोज साहब का था, मैं सोचता था कि उनको पेश करूंगा, ये बैठे हुए नूर साहब ये पेश उनको जाके गिरा देंगे मेरी तरफ से, कि शाह आकर मेरे कदमों में पड़े रहते हैं, शाह आकर मेरे कदमों में पड़े रहते हैं, बहुत खूब, तुम न पाओगे कहीं और कलंदर मुझसे, शाह आकर मेरे कदमों में पड़े रहते हैं, तुम न पाओगे कहीं और कलंदर मुझसे, और जहन में उसके रहा मैं भी तसव्वुर बनकर, जो मैंने अभी बात कही थी कि मेरो मन कहां सुकावे, घूम फिर के वहीं आता है आदमी, ऐसी कैफियत का नाम इश्क है, कि हम अलग भी हो जाए तब भी रिश्ता जुड़ा रहता है, रिश्ता टूटता नहीं है, भ्रम है तर के ताल्लुक एक भ्रम है, जहन में उसके रहा मैं भी तसव्वुर बनकर, जहन में उसके रहा मैं भी तसव्वुर बनकर, और वो भी ख्वाबों में मिला आके बराबर, जहन में उसके रहा मैं भी तसव्वुर बनकर, और वो भी ख्वाबों में मिला आके बराबर, और गैर बनकर ही मिला जो भी मिला तेरे बाद, गैर बनकर ही मिला जो भी मिला तेरे बाद, दूर साया भी हुआ हाथ झटक कर, अच्छा गैर बनकर ही मिला जो भी मिला, हाथ झटक कर, जिंदाबाद, दूर साया भी हुआ हाथ झटक कर, अच्छा काफी है, आईना इनको दिखाया था हकीकत का कभी, आईना इनको दिखाया था हकीकत का कभी, दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर, आईने से पत्थर की वाबस्तगी को ज़हन में रखिए, फिर शेर मुलाजा फरमाइए कि आईना इनको दिखाया था हकीकत का कभी, दुश्मनी अब भी निभाते हैं ये पत्थर। और मक्ता पेश करता हूँ कि एक कतरा हूँ मैं कहने को तो अंजुम, लेकिन अभी जो मैंने कहा था कि इन उस्तादों के सामने एक शागिर्द की हैसियत जो है वो कतरे से ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन ऊपर वाला भी एक नवाजने वाला है, एक नवाजने वाला उस्ताद होता है, एक उससे सबसे बड़ा उस्ताद ऊपर वाला होता है, वो जिसको नवाज दे और जिस तरह नवाज दे, तो मैं महसूस करता हूँ कि मुझे नवाजा हुआ मैं उसका भी हूँ और उस्तादों का भी हूँ। मैं मक्ता पेश करता हूँ कि एक कतरा हूँ मैं कहने को तो अंजुम, लेकिन एक कतरा हूँ मैं कहने को तो अंजुम, लेकिन सर निगुन हो के मिले हैं ये समंदर मुझसे, एक कतरा हूँ मैं कहने को तो अंजुम, लेकिन सर निगुन हो के मिले हैं ये समंदर मुझसे, और जाएगा भी तो कहाँ हाथ छुड़ा कर मुझसे, जबकि वाबस्ता है ये तेरा मुकद्दर। अंजुम नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस एक शेर के साथ एक उस्ताद शायर को दावत कलाम देता हूँ, हमारे बीच में इकबाल हसन सहबा साहब हैं जो खुद एक बहुत अच्छे अरूजी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, तकरीबन 6 दहाइयों का उनका सफ़र शायरी का सभी जानते हैं जानने वाले। मैं एक छोटा सा वाक्य नज़र करना चाहता हूं आपकी, कि मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब हमारे शहर में आए हुए थे और वहां पर
कुछ चुनिंदा शायरों के बीच में एक निशिस्त का एहतमाम किया गया था, मंजूर अहमद साहब उसकी सदारत कर रहे थे, तो हमारे ये शहर के शायर थे जो निजामत कर रहे थे उसकी, उन्होंने सहबा साहब की तरफ देखकर ये इस तरह इशारा किया हाथ का कि क्या आप कुछ पढ़ेंगे, आप ही शायर हैं। तो हमारे ही शहर के एक शायर थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा इस बात के लिए कि बुज़ुर्गों की कदर हमें हमेशा करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था उन नाज़िम महोदय से कि मियाँ जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से ये इकबाल हसन सहबा साहब शायरी कर रहे हैं, और इनकी इनकी शख्सियत वो शख्सियत है, इनका शायरी का मिजाज उसी हिसाब से आज हम देखते हैं कि गज़लों के अशार में जो पुख्ती है वो वहीं से आई है, और जुनून ही इनका काम है शायरी का, जुनून की तरह से शायरी को मोहब्बत करते हैं, अदब को मोहब्बत करते हैं, पढ़ने लिखने में ही इनका ज़्यादातर वक्त गुजरता है। हम लोग लिखते तो हैं पढ़ते बहुत कम हैं, यही बात हमारे अख्तर रियाज साहब ने एक बार कही थी कि हम लोगों को पढ़ना भी बहुत चाहिए, जब लिखते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, और हमारे सहबा साहब स्टडी बहुत करते हैं, जरूरी है, रिसालों की, किताबों की, जहाँ से जो कुछ भी मिल जाता है, यहाँ तक कि अगर आप एक कागज के टुकड़े में इनको समोसा रख के दोगे तो समोसा खाने के बाद उसको पढ़ेंगे ये स्थिति है और ये जुनून है इनका। मैं इन दो मिसरों के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, उसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। इकबाल हसन सहबा साहब, मैं राम राजकुमार इंसाज की मोहब्बत होता, उनकी इंसानी, उनकी इंसानी तरस्ती और उनके उन तमाम बातों का जो उन्होंने मेरे मुताबिक अपने खुलूस का इजहार किया है, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, लेकिन हकीकत यह है कि ताजिल तो दरअसल मैं ही उनका हूँ, और उस्ताद का जो दर्जा उन्होंने दिया है ये उनकी ताजगी है, मैं जैसा पहले कर चुका हूँ, ये उस्ताद हमारी बात नहीं नहीं होती जो कुछ भी सहबा साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है ना, तो कोई इनसे शागिर्द कहलवा सकता अपने आप को, ना उस्ताद कहलवा सकता, ये चाहेंगे तभी कहेंगे। जो कुछ भी मुझे इसके मुताबिक हासिल हुआ है मैं साफ तौर पर कहूँगा कि ये जनाब राजकुमार उस्ताद की तरह फरमाई है, उनकी मोहब्बत है, उनकी बहुत बड़ा इनायत मेरे ऊपर है, मैं इन तमाम कलमात के साथ सदर अंजुमन तामिल अदब मेरा अरमान तिवारी साहब और झांसी के मौके पर उस्ताद जमील साहब, वो हम सबके उस्ताद हैं, हम सभी के हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर हमारी अंजुमन में एक हैसियत उस्ताद की नज़र से अगर देखा जाए तो उनसे बड़ी किसी की नहीं, और ये बात हम इस अंजुमन से बाहर भी कहते हैं अक्सर, हमारे अरमान साहब भी इस बात को सही सदर अंजुमन की मोहतरम की मखसूस तवज्जो की दरख्वास्त के साथ क्या बात अपने काफिर इरशाद इरशाद अपना पेश कर रहा हूँ तवज्जो चाहूँगा। फासला रखता है जिस्मों का बराबर मुझसे, वाह, फासला रखता है जिस्मों का बराबर मुझसे, और ये दूसरा मिसाल जो है इसका पहला अरकान मुजाहिद शक्ल में इस्तेमाल किया है, ये जमील साहब समझ जाएंगे, अरमान साहब समझ जाएंगे, ये फासला रखता है जिस्मों का बराबर मुझसे, मिला जब भी वो मिला मिसल पैगंबर मुझसे, क्या बात है, मिसल पैगंबर मिला जब भी वो मिला मिसल पैगंबर, क्या बात है, और रंगे इरफानी को समझा तो ये मालूम हुआ, रंगे इरफानी को समझा तो ये मालूम हुआ, मेरा अस्तित्व है बिखरा हुआ, बहुत अच्छा, मेरा अस्तित्व है बिखरा हुआ बाहर मुझसे, बहुत अच्छा, और बशर इंसान कोई भी हो
लेकिन हमारे शमशान घाट हमारे पाकिस्तान वो हमेशा उसके मंदिर रहते हैं। अभी कल की बात है, 17 जून को मैंने 80 साल पूरे हैप्पी बर्थडे भैया, सब लोग इनको मुबारकबाद। कल ही 80 साल जो मैंने क्रॉस किया, तो एक 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 शेर एक वाणी के तौर पर चेतावनी के तौर पर कहें एक अहम हो रहा है वो शेर समाज फरमाए। ये कल ही कहा है उन्होंने, कब से हूँ आगोश में कब आओगे, मुंतजर कब से हूँ आगोश में कब आओगे, कब से हूँ आगोश में कब आओगे, और पूछती रहती है ये कब्रे मुकर्रर। अच्छा है, क्या बात है, पूछती रहती है ये कब्रे मुकर्रर मुझसे, मुंतजर कब से हूँ आगोश में कब आओगे, पूछती रहती है ये कब्रे मुकर्रर मुझसे। रूबरू करता है मेरे वो रफीकों को सलाम, रूबरू करता है वो मेरे रूबरू करता है मेरे वो रफीकों को सलाम, अब तो देखे नहीं जाते। ये बदमाशी की इंतहा है, ये होती है अक्सर इसमें। अपने दिल में कभी झांको तो समझ पाओगे, अपने दिल में कभी झांको तो समझ पाओगे, सब दुनिया में हर एक खिड़की है बेहतर मुझसे। क्या बात है, क्या बात है, अपने दिल में कभी झांको तो समझ पाओगे, सब दुनिया में हर एक खिड़की है बेहतर मुझसे, मुझको वो छोड़ के रहो मैं गए हैं जब से, मुझको वो छोड़ के रहो मैं गए हैं जब से, रूठा रूठा सा है ये मेरा मुकद्दर। अच्छा है, वाह 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 वाह, रूठा रूठा है ये मेरा मुकद्दर मुझसे, और ये मक्का मैं रोज रात की नजर करना चाहता हूँ, मेरे दो गहरी नजर रहे हैं वो पहुंचा देंगे, वो बैठे हैं। इस रम्स को वही समझ पाएंगे, पुराना मामला है यार। हाँ जी, आप जानते हैं, अब वो सहबा नहीं मैं पहले के जैसा नादान, या इसको ऐसे भी कह सकते कि अब वो सहबा नहीं मैं पहले के जैसा मासूम, मासूम वो कहते हैं आपसे। क्या बात है, वाह 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 वाह, अब वो सहबा नहीं मैं पहले के जैसा मासूम, गुफ्तगु करना जरा सोच समझ कर, मुबारकबाद, वाह वाह वाह, समझ कर मुझसे, बहुत अच्छा, मासूम अच्छा कह दिया। ये इकबाल हसन सहबा साहब अपना अपने कलाम को पेश कर रहे थे, और शायर वो है जो उसकी ज़िंदगी की आईनादारी करे, वो शायरी उसकी होना चाहिए, तर्जुमानी करती है असल में शायरी ज़िंदगी की, और शायरी असल में शायरी जो है वो असल में किसी शायर की ज़िंदगी की डायरी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इन्होंने वो शेर जो कल 80 साल की इनकी उम्र हुई, और इन्होंने मुंतजर कब से हूँ आगोश में कब आओगे, पूछती रहती है ये कब्रे मुकर्रर मुझसे, जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तो कब्रें हमसे अक्सर ये सवाल करती हैं कि भैया हम यहाँ आना है तुमको, लेकिन जब हमारे जैसे उम्रों के लोग, हमारे अरमान साहब जैसी उम्रों के लोग
जब जाते हैं तो हम लोग कब्र से ये कह देते हैं कि पागल हो गई, अभी हमसे तुझसे क्या मतलब, अभी तो हम 2.5 साल के हुए। लेकिन जब 80 की उम्र क्रॉस करता है आदमी, ये भी गलत सोच लिया इन्होंने, 20% बढ़ाया है, 10 साल और जिएंगे, तब ऐसा लगता है कि एक पैर अब हमारा कहा भी जाता है कि एक पैर कब्र में है, तो फिर लगता है कि नहीं यार आवाज दे रही है तो बुला भी सकती। वहां से इन्होंने शेर कहा, ये वार्निंग पॉइंट है ये जी। और इन्होंने एक वो भी शेर कहा कि फासला रखता है जिस्मों का बराबर मुझसे, हाँ मतलब इनकी गजल का, और मिला जब भी वो मिला मिसले पयंबर मुझसे। कभी अहमद फराज साहब ने एक शेर कहा था बड़ा खूबसूरत, और जिसने अहमद फराज को अहमद फराज बनाया, जिस गजल ने, उस गजल में कहा था वो शेर कि मैं खुदा हूँ न तेरा इश्क फरिश्तों जैसा, मैं खुदा हूँ न तेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। उसी बात को हमारे सहबा साहब ने अंदाज अपना बदल कर और बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। किसी मफहूम को जब कोई बड़ा शायर अगर अपने गजल में बांध लेता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उठाना, और फिर उसको इस तरह से पेश करना कि आपका जहन वहाँ तक ना जाए कि ये शेर कहा जा चुका। और यही इनके वो तो हमारा जहन था जो चला गया, बताओ आप लोगों में किसी का जहन गया? तो ये होता है। और बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने बड़े अच्छे लबो लहजे में अपनी गजल को पेश किया। और अब हमारे जो सदर हैं इस अंजुमन के, हमारे अरमान तिवारी साहब, गुरु प्रसाद तिवारी अरमान साहब, जो जिनकी सदारत में और जिनके सरपरस्ती हमारे उस्मान साहब रजिस्ट्रार जो हैं यूनिवर्सिटी के, और जमील साहब जो हमारे इसके साबिक सदर हैं और इस वक्त हमारे अंजुमन की सारी नशस्तों की सदारत वही करते हैं, तो इन लोगों के मशवरे और इनके जो सरपरस्ती है, इनकी जो मार्गदर्शन है, उसमें हमारी अंजुमन नए नए कारनामों को अंजाम दे रही है लगातार। और पूरी दुनिया में जो कि हम 40 साल से इस अंजुमन को चला रहे हैं, एक मुकाम तक ही ठहरे हुए थे, एक मरकज़ तक ठहरे हुए थे झांसी बुंदेलखंड के, आज पूरी दुनिया में कहीं भी आप अदीबों के बीच में जिक्र अगर करोगे, और इसमें जाहिर होता है कि जब हमारे ये देखने वाले यहाँ आते हैं तो चाहे वो हमारे रहमान साहब अमेरिका से देख रहे हों, चाहे डॉक्टर कलीम कैसर देख रहे हों, अर्जुन साकरी देख रहे हों, या नवाज साहब देख रहे हों, ये अक्सर कहीं ना कहीं देखते रहते हैं लोगों को, एक्टिविटीज़ को हमारी फेसबुक पर और इंटरनेट साइट्स पर। ये हमारी काबिलियत और अंजुमन के लोगों का कोशिशें हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं अपनी अंजुमन की एक्टिविटीज़ को, जहाँ तक हम इन्हें पहुँचाना चाहते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो काम हो भी तो, करना तो हर आदमी चाहता है बहुत कुछ लेकिन होना भी चाहिए, और हम लोग अच्छी, हमें खुशी ये है कि हम लोग वो काम को कर पा रहे हैं। मैं अरमान तिवारी साहब के लिए ये दो मिसरे पेश करता हूँ कि सिर्फ लहजा नहीं चेहरा भी गजल जैसा है, और वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा। अरमान तिवारी साहब, सभी लोगों ने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हमें कहीं थी, बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को। चल से मैंने भी जसारत की है, गजल कहना कोई मामूली काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है गजल की तकलीफ करना। सही है, सही। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैंने गजल की है मसला पेश करता हूँ, बनाया तुम्हारे तमन्ना के जान जिगर मुझसे। वाह बहुत अच्छा है अरमान साहब का बात है, अलबासी मंदिर का प्यार। आरज़ू ख्वाबे तमन्ना के जान जिगर मुझसे, चाहता क्या है बता, कुछ तो सितमगर मुझसे, कुछ तो सितमगर मुझसे, आरज़ू ख्वाबे तमन्ना के जा जिगर मुझसे, आरज़ू ख्वाबे तमन्ना
तू बता कैसे चला जाऊं भुला कर तुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तू बता कैसे चला जाऊं भुला कर तुझको। रोने लगते हैं तेरे साए लिपट कर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोने लगते हैं तेरे साए लिपट कर मुझसे। रोने लगते हैं तेरे साए लिपट कर मुझसे। जब भी देखूं मैं कभी जख्म अलम गम लेकर। जब भी ले तू मैं कभी जख्म अलम गम ले कर। बात करती है मेरे दर्द की चादर मुझे। बात करता है क्या बात है, बाबा 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 बाबा। जब भी ले तू मैं कभी जख्म अलम गम ले कर। बात करती है मेरे दर्द की चादर मुझसे। बात करती है मेरे दर्द की चादर मुझसे। और ये शेर तभी लगाया मेरी तकदीर है पत्थर के मुकद्दर पर। मेरी तकदीर है, वाह वाह वाह। मेरी तकदीर है पत्थर के मुकद्दर पत्थर। दुश्मनी खूब निभाते हैं ये पत्थर मुझसे। क्या बात है। दुश्मनी खूब निभाते हैं ये पत्थर मुझसे। कैसे डूबा है मोहब्बत के भंवर में कोई। कैसे डूबा है, कैसे डूबा है मोहब्बत के भंवर में कोई। क्या बताऊं मैं अगर पूछे समंदर उससे। क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं अगर पूछे समंदर मुझसे। क्या बताऊं मैं अगर पूछे समंदर मुझसे। धार से कितने गले काटे जुबाने कितनी। धार से कितने गले काटे जुबाने कितनी। ये सवालात ही, ये सवालात ही करता रहा खंजर मुझसे। अच्छा काफी है खंजर का। करता रहा खंजर मुझसे। धार से कितने गले काटे जुबाने कितनी। दूर जाना ना कभी तुमको मोहब्बत की कसम। दूर जाना ना कभी तुमको मोहब्बत
बस्ती यही कहते हैं अरमान मचल कर मचल कर अरमान मचल कर मुझसे आरज़ू ख्वाबे तमन्ना के जा जिगर मुझसे चाहता क्या है बता कुछ तो सितम उधर क्या बात है ये अरमान तिवारी साहब जो कि हमारे सदर अंजुमन अपना कलाम पेश कर रहे थे बड़े अच्छे जावियों से उन्होंने अशार निकाले हैं और बहुत खूबसूरत इस्तेमाल रदीफ काफियों का जिनको कुछ काफी है हम लोगों से भी छूट गए थे उन्होंने इस्तेमाल किए और राम बाबू रस्तोगी देख रहे हैं रस्तोगी साहब राम बाबू रस्तोगी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं बहुत अच्छे शायर हैं वो और वो देख रहे हैं हमारी इस मोहब्बत है उनकी संदीप श्रीवास्तव तो मैं अब हम उस मुकाम पे आ पहुँचे हैं जहाँ हमारे अंजुमन के इस निशस की जो सदारत फरमा रहे थे हमारे जमील झांसवी साहब जमील रहमान जमील साहब उनसे मैं गुजारिश करूँ वो मुकाम अब आ पहुँचा है कि वो अपनी गज़ल को पेश करें और मैंने जैसे कि उनके बारे में पहले ही अर्ज कर दिया है कितनी मोहब्बतें उनको हैं हमसे कि जब हम लोगों ने उनसे टोपी की गुजारिश की तो देखो कहाँ से हम तसव्वुर ही कर सकते हैं हम लोग के कैसे ढूंढ के लाए होंगे कहाँ से और ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग भी उनको उतनी ही मोहब्बत करते हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे उस्मान साहब शायद हैं गवाह हैं इस बात के वो सेक्रेटरी हैं और हमारे अरमान साहब सदर हैं कि हम लोगों ने जमील साहब की गैर मौजूदगी में इस नशिस्त को कभी शुरू किया हो आगाज़ किया हो इनको पहले अगर कभी ऐसी स्थिति बनती भी है तो इनको फ़ोन किया जाता कि भैया आ रहे कि नहीं अगर ये कहीं बाहर होते हैं या कहीं ऐसे होते हैं स्थिति में कि नहीं आ सकते तब हम लोग भले ही कर लें शुरू को तो ये इनकी मोहब्बत और ये हम लोगों की मोहब्बत है ऐसा नहीं है दोनों तरफ से बराबर का मामला है और उतना ही एहतराम हम सभी चाहे हम हों चाहे अरमान साहब हमारे सहबा साहब हों हम लोग आपस में हंसी मजाक में कुछ भी बात कर लें हमारे कुदरत अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो अदीब तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अदब नवाज़ हैं और उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि जमील साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता है वो इस बात को समझते हैं कि जमील साहब की क्या जगह है हम लोगों की नज़र में दिलों में क्या जगह है और उसी हवाले से मैं ये दो मिसरे उनको पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी गज़ल से नवाजें कि गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में सदियां गुजार दूं मैं तेरे इंतजार में जमील साहब नहीं सारा करिश्मा आपकी टोपी का है आज टोपी से बता से रहे जाएगा करो और बात 80 रुपए तो जाएगा अरे अभी हमने इनको परसों इनको हमने टोपी में जब देखा तो हमने इनके 5-6 फोटो निकाले अभी हम डालेंगे फेसबुक पे इतना जम रहे थे यार ये पहले हम तो ये लाइव चल रही है हमें लगा कि इनको तो पहले ही से पहनना चाहिए थी जी टोपी की कोई बात नहीं आप गजल क्या बात कोई रिश्ता है सरासर मुझसे क्या बात है सरासर रिश्ता है सरासर मुझसे कोई रिश्ता है सरासर मुझसे और प्यार करता है एक बार वफा कर और अच्छी बात ये है कि राम बाबू रस्तोगी साहब जैसे शायर इसको देख रहे हैं जो समझ सकते हैं आपके शेर को जी इश्क में मांगे है अक्सर मुझसे जाने कितना है तमन्ना ये दिल भर मुझसे
क्या बात है, क्या बात है, बना है तुम्हें भाई, ये दिल भर मुझसे आनंद कुमार सक्सेना जी के अदा कर दिया मैंने मोहब्बत का तेरी, क्या बात है, ने अदा कर दिया मैंने मोहब्बत का तेरी, चीर कर दिल को मेरे कह गया खंजर, सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, दिल को मेरे खंजर, वाह, ओ गम नहीं इसका के गैरों ने सताया, गम नहीं इसका के गैरों ने सताया है मुझे, अब तो अपने भी बदलने लगे तेवर मुस्कान, क्या बात है, क्या बात है, इसी दौर में आगे ले आप, वाह भी वाह, अब तो अपने भी बदलने लगे हैं तेवर मुस्कान, मेरे बस में जो ये होता तो बदल देता, मेरे बस में जो होता जो ये होता तो बदल देता, बदल देता इसे, मुद्दते हो गई रूठा है मुकद्दर, मुकद्दर क्या बात है, मुद्दते हो गई, अच्छा माना है मुकद्दर को, वाह वाह वाह, मुद्दते हो उठा, बहुत अच्छा, क्या कहना, मैं तो आने तो दो हाथों में मेरे ऐसा, मैं तो आने तो आने तो दो हाथों में मेरे है साथी, फिर जरा छीन के देखे कोई सागर मुझसे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, शीशे दिल में मेरे बाल ना पड़ जाए, शीशे दिल में मेरे बाल ना पड़ जाए, कुछ तो है हाथ मिलाते हैं जो पत्थर से, सही है, सही बात है, तो है बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत है, बहुत कुछ है यार, वाह वाह, मर्तबा मेरी फकीरी का कोई क्या जानता, अच्छा वो फकीर नहीं है तो आप फायदा उठा रहे हो उसका, मर्तबा मेरा फकीर हो गया, फकीर मर्तबा मेरी फकीरी का कोई क्या जाने, मर्तबा मेरी फकीरी का कोई क्या जाने, क्या जाने, कष्ट करते हैं जमाने के तमंगर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कष्ट करते हैं तुम्हारे जमाने के, मतलब मेरी फकीरी का कोई क्या है, कष्ट करते हैं जमाने के तमंगर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक इसकी स्टेज बना दी आपने, वाह 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 भाई, बहुत वाह वाह वाह, मस्त है, दिल मेरा साफ है आईने आईने के माने की जमीन, क्या बात है, दिल मेरा साफ है, साफ है आईने के मानिंद जमीन, बदगुमान है तो रहे राह के पत्थर, सही है, सही बात है, सुहेल उस्मानी, बदगुमान है फालहाना यही निकाले सरासर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा था, बहुत अच्छा, बेहतरीन कलाम, एक उस्ताद के हवाले से जिस तरह की गज़ल की उम्मीद हम लोग करते हैं उस तकाजे को पूरा किया जमील साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मुरस्सा गज़ल को उन्होंने पेश किया, और मैं अब हमारी आज की ये जो शेरी नशिस्त है जो तरही मुशायरा जिसको हम फेसबुक पे हमने लिखा था वो अब यहाँ पे अब ख़त्म होता है, और हम एक बार फिर आपसे, अच्छा सरोज साहब की गजल रह गई, सरोज साहब की गजल आप पढ़ दो, चलो आप पढ़ दो, कोई भी पढ़ दो, सरोज झांसवी साहब, सफीर अहमद सरोज साहब जो किसी वजह से आज उनकी तबीयत कुछ नाताजा हुआ बीच में नहीं है वो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ सालिक साहब से कि जो दूसरों की गजलें पढ़ने के लिए जाने जाते हैं हमेशा से, मुझे मोटा शायर बना, क्या बात है, सरोज साहब की गजल में क्या है, इनकी अच्छी बात यह है कि जब किसी और का कलाम पढ़ते हैं तो नाम जरूर ले लेते हैं, हालांकि माहिर साहब की गजल कई बार इन्हें अपने ही नाम लिए पढ़ दी उसी दिन से आ भी नहीं गए, हमको आने ही बंद कर दिया नाम के लिए, तो आदमी सब कुछ कहता है जब नाम ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा आते, आपका मतलब है कि ढूंढता फिरता रहा कौन है कमतर मुझसे,
ढूंढता फिरता रहा, ढूंढता फिरता रहा कौन है कमतर मुझसे, मुझको कमतर ना मिला कोई भी बढ़कर मुझसे। सही है, क्या बात है भाई, ये शेर बोल कैसा, ढूंढता फिरता रहा कौन है कमतर मुझसे, मुझको कमतर ना मिला कोई भी। जमाल साहब हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी ये सब कमतर हैं। और हाल जब ये है तो मंजिल पे पहुंचना है मुहाल। हाँ सही है, हाल जब ये है तो मंजिल पे पहुंचना है मुहाल, हर कदम पूछे है रास्ता मेरा रहबर मुझसे, रहबर मेरा रास्ता, हर कदम पूछे है रास्ता मेरा रहबर मुझसे, और सब से बढ़कर नहीं ढाल कोई दुनिया में, नहीं ढाल कोई दुनिया, कोई दुनिया में हार के बैठ गया मेरा सितमगढ़ में, क्या बात है, हार कर बैठ गया मेरा सितमगढ़ मुझसे, और फिर ना आया वो कभी लौट कर, लौट के जाने के बाद, लौट कर जाने, फिर ना आया वो कभी लौट कर जाने के बाद, मैं अभी आया गया कोई ये कहकर मुझसे, अभी आया गया। वो गजल जैसी लिखी है वैसी पढ़ रहे हैं आप, कुछ अपना हुनर दिखा रहे हैं? नहीं बिल्कुल यही है, फिर ना आया वो कभी लौट कर जाने के बाद, मैं अभी आया गया पढ़ने वाले को कोई ये कहकर मुझसे, अब ना आएगा नबी कोई हिदायत के लिए, वाह अब उसे लेना है ये कार्य पैगंबर मुझसे, क्या बात है, अब उसे लेना है ये कार्य पैगंबर, देख रहे तुझ में गहराई है ज्यादा के मेरे सीने में, तुझ में गहराई ज्यादा है, फकीर बनता फिर बनता पैगंबर, डायरेक्ट कोई बनता, तुझ में गहराई ज्यादा के मेरे सीने में, आपका शेर देखे कि तुझ में गहराई है ज्यादा के मेरे सीने में, बहुत अच्छा, पूछता हूँ मैं समंदर से समुंदर में, बहुत अच्छा है, पूछता हूँ मैं समुंदर से समुंदर मुझसे, और तर्क शीशे की इजारत किए अरसा गुजरा, तर्क शीशे की, तर्क शीशे की इजारत किए अरसा गुजरा, दुश्मनी अपनी निभाते हैं ये पत्थर मुझसे, और है बुलंदी पे अभी कल वो जमी पर होगा, है बुलंदी पे अभी कल वो जमी पर होगा, रोज खुर्शीद कहा करता है ढलकर मुझसे, रोज खुर्शीद कहा करता है ढलकर मुझसे, और सुबह को साया मेरा था मेरे कद से लंबा, सुबह को साया ये मेरा था मेरे कद से लंबा, दोपहर हो गया छोटा सा वो घटकर मुझसे, वो मक्ते का शेर है कि हक बयानी का नतीजा यही, हक बयानी का नतीजा यही होना था सरोज, हक बयानी का नतीजा यही होना था सरोज, लोग टकराने लगे रहा मैं अक्सर, बहुत अच्छा है, लोग टकराने लगे घूमता फिरता रहा कोई है कमतर, क्या बात है, मुझको कमतर ना मिला कोई भी बढ़कर, ये शब्बीर अहमद सरोज साहब का कलाम था जो बसी सालिक साहब जिसको पेश कर रहे थे, और अब इसका हम यहीं पर इसका समापन करते हैं आज के निशिस का। मैं अपने तमाम सुनने वालों का जो पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं और इस पर नाम उनके हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं, और ईद की मुबारकबाद मैं सभी को देता हूं। ईद के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, अगले महीने फिर एक बार हम लोग मिलेंगे, उसके पहले हमारे जो सरपरस्त हैं, हमारे संरक्षक जो हैं रजिस्ट्रार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मोहम्मद उस्मान साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने खुतबे के साथ आज का